स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेली एक्सप्रेस में, जहां आपको मिलती है स्टार प्लस सुपरहिट सीरियल अनुपमा से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, बा ने कह दिया है इस दुनिया को अलविदा, अकेले हो गए हैं बापूजी। अब ऐसे में दोस्तों, घर की पूरी जिम्मेदारी सब कुछ आ चुकी है अनुपमा के ऊपर। तो दूसरी तरफ मालती देवी इस बात से है परेशान कि अनुपमा अपना घर छोड़ के हमेशा ही शाह परिवार के चक्कर लगाती रहती है। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तो वो खुद जाती है, फिर उसके बेटे को ले जाती है, जिस वजह से छोटी अनु हमेशा ही अकेली हो जाती है। इसीलिए मालती देवी अब बा की मौत का भी फायदा उठाने वाली है। वो बा की मौत के चलते अनुपमा को जबरदस्ती शाह परिवार में भेजेगी और घर पे अनुज कपाड़िया को किसी न किसी काम के चलते रोक लेगी। ऐसे में अनुज जब बार बार यहाँ पे अनुपमा की वजह से काम में मन नहीं लगा पाएगा, तो मालती देवी कहेगी कि अनुज, मुझे बिजनेस का बहुत नॉलेज है, तुम चाहते तो नहीं हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए बिजनेस मैं संभाल लेती हूँ। ऐसे में अनुज मेंटली इतना ज़्यादा परेशान हो चुका होगा कि वो अनुपमा के पास जाने के लिए छटपटाएगा और दे देगा बिजनेस मालती देवी को। इस बात का मालती देवी ऐसा फायदा उठाएंगी कि एक तरफ जहां घर में शोक सभा चल रही होगी, बाकी अनुज और अनुपमा बैठे होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मालती देवी कपाड़िया एम्पायर को पूरे तरीके से अपने नाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी और धीरे धीरे अनुपमा को और अनुज को, दोनों के ही रिश्ते को बर्बाद कर देगी। अपने बेटे को अपने पास करके अनुपमा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। अब ऐसे में दोस्तों, अनुपमा बाकी मौत के बाद घर परिवार से कहेगी कि आप सब अपने अपने रास्ते जा सकते हैं और पूरा शाह परिवार टूट कर बिखर जाएगा। हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया होगा और अनुपमा डिम्पी और उसके बच्चे को लेकर अमेरिका चली जाएगी, जहां अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत अनुपमा करती हुई नज़र आएगी। वेल, आप लोग कहानी में आने वाले इस नए ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय आप ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।